दोस्तों अभी गाड़ी यहाँ पे लगा दी है, अब जाके हमारा गाड़ी लोड होना स्टार्ट होगा, तो एक बार में सेट हो जाएगा ना यहाँ पे सारा माल तो बाहर ही है। अभी थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, यहाँ पर भी एक गाड़ी लग रहा लोड हो रहा है। उसको थोड़ा पहले का डीजल नाप ले रहे हैं, कितना डीजल है क्या है। घर तरफ देखेंगे गाड़ी तरफ देखे, हम तो घर से निकल नहीं पा रहे थे कि अभी से लेके हम लोग का करीब 1.5 महीना तक चिकन मटन मछली कुछ नहीं खाना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आपसे एक फिर स्वागत है। दोस्तों पिछला ब्लॉग में देखे थे कि हम लोग घर से निकल गए हैं अपने गाड़ी लेकर के, तो लोडिंग में आए हुए हैं, तो देख सकते हैं मेरा गाड़ी लोडिंग चालू भी हो चुका है। तो ये सब माल में यही होता है, खुला खुला माल रहता है, तो मैंने कभी कोई आइटम कभी कोई आइटम, तो कुरकुरे आइटम है, कभी बिस्कुट है, चिप्स है, तो अलग अलग टाइप का लोड होता है। और लोडिंग में लगे हुए अभी, हो सकता है आज दिन भर लोड हो जाएगा, बता तो रहे हैं कि शाम तक लोड होकर गाड़ी निकल जाता है। अभी तक तो दोस्तों हमारा गाड़ी इतना ही लोड हुआ है, तो अभी टाइम इसमें बहुत ज्यादा ही लगने वाला है। और ये माल हमारा उड़ीसा का जाएगा, रांची से उड़ीसा का, उड़ीसा के बाद फिर हम लोग रायपुर का माल भरेंगे। तो देखिए अभी कितना लेट लगेगा, अभी तो लग रहा कहाँ चले गए सब लोग, कुछ अभी लोड इतना ही हुआ। और इधर भी एक गेट दिया हुआ और एक उधर से है, उधर से मेन वाला गेट है। लोडिंग के लिए जो सामान आता है वो सारा यहीं से बन के आता है, अभी निकालेंगे। ये भी गाड़ी आया हुआ लोडिंग के लिए, लगता दोनों को लोड कर रहे हैं। दोस्तों अभी यही वाला गाड़ी लोड हो रहा है, तो इसके बाद मेरा करिएगा ना लोड, इसके बाद होगा। ये नंबर पहले था, एक और गाड़ी वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ये देखिए यही सारा माल हमारे गाड़ी में लोड हो रहा है, और लेके भी हम लोग यही माल आए थे और वापस यही लोड हो रहा है। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए, तो ये देखिए पोहा मंगवा लिए थे, तो यही आज का हमारा नाश्ता हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पोहा ही मिल रहा है, और देख रहे हैं कि पोहा तो हर जगह मशहूर हो गया, हर स्टेट में। पहले तो हम चाहते जानते थे कि महाराष्ट्र में ही मिलता था, लेकिन अब धीरे धीरे पोहा जो हर स्टेट में मतलब मिलने लगा है। देख रहे हैं यहाँ भी देखिए पोहा, पोहा सेव भाजी तो पहले कहाँ मिलता था, झारखंड में भी नहीं मिलता था, अब बहुत मिल रहा है। अब सेव भाजी भी मतलब मशहूर हो गया है, सेव भाजी भी हर होटल में मिलना चालू हो गया है। अब पोहा देखिए यहाँ पर मिल गया है, पोहा है। पोहा में क्या है कि हम लोग तेल वगैरह मिलता नहीं, इसमें सूखा सूखा रहता है, पूड़ी वगैरह के साथ तेल रहता है, इसलिए हम लोग नहीं खाते है। बहुत मजबूरी में अगर नहीं मिला तो पोहा पहला हम लोग का पहला ऑप्शन पोहा ही रहता है। दोस्तों अभी हमारा नाश्ता तो हो गया और पापा चले गए हैं थोड़ा बाजार, यहाँ बगल में बाजार ही लगता है, तो बाजार से कुछ सामान अगर लाना होगा तो ले आएंगे। सब्जी तो अभी पूरा गाड़ी का खत्म हो गया, और गाड़ी को अभी थोड़ा साफ सफाई कर लिए हैं। ये सीट का थोड़ा गद्दा जो रहता है वो कम हो गया है पूरा, अब इसको डलवाना पड़ेगा। ये देखिए इसके ऊपर ये डाल दिया हम लोग कम्बल की, थोड़ा ऊंचा हो जाए तब जाके थोड़ा सही लग रहा है बैठने में। अब पूरा तो इधर साफ सफाई कर लिए है, और गाड़ी को भी पूरा अच्छे से झाड़ लिए, तो अब थोड़ा ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। तो खड़े खड़े गाड़ी में हम लोग स्टार्ट करते रहते थे वही अच्छा है, बैटरी हमारा डाउन नहीं हुआ, नहीं तो बैटरी डाउन होने के बाद बहुत झंझट होता है। अभी तक हम 3 बार ऐसा फंसे कि बैटरी डाउन हो गया, एक बार धक्का दिए, एक बार टायर में पूरा ऐसे रस्सी बांध के घुमाए तब भी नहीं हुआ, बहुत प्रॉब्लम होता है। दोस्तों मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का यार। तो चलिए अभी पापा का इंतजार करते हुए आएंगे, और अभी तक हमारा लोडिंग का भी हुआ नहीं है स्टार्ट, मतलब जो थोड़ा सा लोड किए थे वही हुआ है, अभी तक वही गाड़ी लोड कर रही है लोग, तो उसके बाद फिर हमारा ही नंबर है, फिर लोड करके हम लोग जल्दी निकल भी जाएंगे उड़ीसा के लिए। दोस्तों अभी हम बाजार गए थे कुछ नाश्ता वाला सब्जी लाने के लिए, अभी हम आ गए हैं, तो हम आए तो यहाँ पर अभी कुछ हमारे सब्सक्राइबर भाई भी आए हुए यहाँ पर मिलने के लिए। देखिए ये भी है और ये भी है, बहुत अच्छा लगा मिल के, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। और ये इनकी बहन है, आइए आइए आइए, ये इनकी बहन है ये, और ये लोग तो घर नहीं आ सके हमारे, हमारा घर का जो पूजा था उस दिन, तो घर के लिए ये देखिए घर में लगाने के लिए दिए हैं, ये गिफ्ट दिए हैं, तो थैंक यू भाई गिफ्ट देने के लिए, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और अभी क्या है हमारा गाड़ी में लोड नहीं है, अभी लोडिंग चालू है, तो दिन भर लगेगा हमको यहाँ। अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा ब्लॉक यहीं पेंट हुआ था, पिछड़ा ब्लॉक, तो उसी लोकेशन से आप लोगों को मालूम चला, पिछला ब्लॉक से ही पता चला कि नेक्स्ट यहाँ से लोडिंग है, मन से हम आपको देखे यहाँ पे वो ना लोकल लोगों का आइडिया लग जाता है। और पिछला बार देखा तो खाली किए थे यहाँ पर, तो उसको लेकर क्या सको, और काफी लोग आए थे मिलने के लिए, हमको बहुत अच्छा लगा मिलकर के हमको भी। चलिए बहुत अच्छा लगा, आप लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छा लगा भैया। दोस्तों अभी हमारा लोडिंग अब स्टार्ट हो गया, अभी हम लोग को गाड़ी बैक करने के लिए बोला है, तो ये देखिए अभी गाड़ी बैक कर रहे हैं, उसके बाद शायद हमारा गाड़ी लोड हो जाए, वहाँ थोड़ा सा ही दूर करना है। दोस्तों अभी गाड़ी यहाँ पे लगा दी है, और अब जाके हमारा गाड़ी लोड होना स्टार्ट होगा, तो एक बार में शायद हो जाएगा ना यहाँ पे सारा माल तो बाहर ही पड़ा हुआ है, सारा माल बाहर, सारा कागज भी रिसीविंग सब है, सब गिनने वाले ये सुपरवाइजर है जिनके लोड कराते हैं। चलिए जल्दी करा दीजिए थोड़ा, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल हो जाएगा ना, अब लेट नहीं होगा, नहीं अब लेट नहीं होगा, करा दीजिए फटाफट, निकल भी जाएंगे का इधर रास्ता जानते थोड़ा सा फूटी वगैरह सभी, सब रात का रास्ता नहीं है ना, दिन का रास्ता दिन में निकल जाए अच्छा रहेगा, बस हो जाएगा आधा घंटे में हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा।
दोस्तों अभी यहाँ पे तो आधा से ज्यादा माल लोड हो गया हमारा, तो अब इसके बाद आगे थोड़ा बोल रहे हैं वहाँ पे जाके लोडिंग करने के लिए। तो अभी पापा जा रहे गाड़ी को लेकर वहाँ पे लगाएंगे, वहाँ पे क्या है कि अपना माल पूरा फुल लोड हो जाएगा। तो यहाँ तक जितना माल 5 रुपया वाला, 10 रुपया वाला, 20 रुपया वाला ऐसा करके पैकेट था, तो अभी 5 वाला लोड हुआ है, 5 वाला, 10 वाला और बाकी 20 वाला शायद यहाँ लोड होगा। तो जा रहे हैं अभी गाड़ी को यहाँ लगवाते हैं। अभी थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, यहाँ पर भी एक गाड़ी लग रहा लोड हो रहा है, बस इससे पहले हमारा गाड़ी हो जाए तो अच्छा रहेगा। आइए आइए, यहाँ पे एक थोड़ा सा तार है, इसको देखना पड़ेगा बस। आइए आइए, हाँ ठीक है, बहुत ऊंचा जाइए, चलिए पार हो गया है बोला तार। अब इधर से घुमा के हम लोग इस गाड़ी के पीछे लगाना है। दोस्तों गाड़ी तो लगा दिए थे और शाम के 6 बज रहा है और हमारा गाड़ी लोडिंग चालू है, थोड़ी सा माल बचा हुआ है, बस अपना गाड़ी लोड हो जाएगा। दोस्तों अभी हमारा गाड़ी लोड हो चुका है और अब जाके सील लग रहा है, और सील लगने के बाद फिर अब पेपर अभी नहीं मिला ना अंकल जी, पेपर हो गया, पेपर दे दिए, दे दिए है, तो बस ये सील लग जाएगा उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। ये सील लगने के बाद सेफ्टी हो जाता है ना, चलिए लग गया पूरा। अब यहाँ पे हम लोग भी ताला लगा लेंगे, जस्ट ये था तो अब तो फ्री नहीं, ये हमारा मिल्टी बिल्टी मिल गया है, पार्टी का नंबर वगैरह भी सब तो रेडी है, अब निकला जाए। चलिए निकल जाए, बहुत बढ़िया आते हैं, कंपनी तो अब रायपुर में भी है, इधर भी है, हमारा जगह लगा रहेगा एकदम। एक चीज हमारे लिए अच्छा हुआ, यहाँ का माल ला करके घर भी जा सकते हैं एकदम आराम से, आराम से, अब तो क्लियर हो गया ना, कहा यही का माल लाना है, रांची दूर रामगढ़ के बगल में ही है। दोस्तों अभी हमारा गाड़ी तो लोड हो गया है और जो कागज वगैरह मिला था सब कुछ मिल गया और बस निकलने ही वाले थे, तो पता नहीं पापा भी शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं, वो आएंगे फिर चलेंगे ना। वो हमारा ट्रांसपोर्टर है रांची का, वो बोले कि मैंने हमेशा फोन में बातचीत हुआ उनसे, कभी फेस टू फेस हम लोग हुए नहीं है, तो आपसे मिलना है तब आप जाइएगा, उन्हीं के लिए हम रुके हुए हैं, देखते हैं 10-15 मिनट रुकते हैं, आ जाएंगे बोले 10-15 मिनट में। दोस्तों अभी शाम के 7 बज चुके हैं और पापा का जिनसे मिलना था ट्रांसपोर्टर जी से, उनसे मिल लिया और हम लोग निकल गए। और वो देखिए हम लोग को ये गिफ्ट किए, जो हम लोग ये मतलब लोड किए है वही मिक्सचर, और इधर भी है वही चीज सेम चीज, तो ये मिल गया, आप खाते खाते जाएंगे। ये बालाजी कंपनी का है और वही बोले क्या है हमको, बोले कि आपको दिलवाते, पहले बोले कि आप खाए कि नहीं खाए, अनु भाई हम उतना खाते तो नहीं है सब, बोले थे कि आपको मंगा देते, वही ला कर दिए है, बोले खाते खाते जाइए। तो दोस्तों अभी हम लोग एक पंप में आ चुके हैं, तो यहाँ पे अभी हम लोग को डीजल लेना पड़ेगा, अपने गाड़ी में अभी डीजल नहीं है, तो जो अभी भाड़ा मिला है उसी से डीजल डलाएंगे। उसको थोड़ा पहले का डीजल नाप ले रहे हैं, कितना डीजल है क्या है उसी हिसाब से लेंगे डीजल। चार अंगुल है, 40-50 लीटर है, 10,000 डालो, 10,000 नया पंप खोला है ना। वही ना, इधर जा रहे थे हम लोग, उस दिन चालू नहीं हुआ था, उस दिन बंद था, थोड़ा बंद है ना। हाँ। बहुत बढ़िया नया नया रोड बना, बाईपास में तुम्हारा पहला पंप मिला, तो सब 10,000 का तेल लिए हैं, 105 लीटर आया है, झारखंड में है, ठीक है फिर सस्ता है, 94 है यहाँ पे दाम इसका डीजल का। और ये क्या कि यहीं पर उसका डिपो भी है, थोड़ा सस्ता पड़ता है, थोड़ा और आगे जाएंगे उधर तो ट्रांसपोर्टिंग का जैसे अपना दूर जाता है गाड़ी से, ट्रांसपोर्टिंग के हिसाब से पैसा जो बढ़ जाता है डीजल का, इसे रांची में ही ले लिए है। अब काफी तेल हो गया मेरे पास, हम तो इतना में तो लगता है कि इस धार सुगड़ा से अगर रायपुर जाना हुआ तो रायपुर ही पहुंच जाएगा मेरा गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, अब समय तो ऐसा हो गया कि उस रोड पे ज्यादा चल नहीं सकते, तो खूंटी वगैरह तक हम चलने की प्लानिंग है, उधर रुकेंगे फिर अपना वहां से सुबह दिन के देखे आप लोग भी, उधर का रोड पूरा जंगल ही पूरा एरिया है, चलते हैं अब यहां से। दोस्तों रात का 10 बज चुका है और गाड़ी हम लगा दिए यही खूंटी पार करके, हम लोग खूंटी पार करके ढाबा है वहीं पे रुक गए हैं, यहाँ घाट साफ भी है और होटल बहुत अच्छा है, यहीं पे बहुत सा गाड़ी सब तो खड़ा होने लगा है, सब होटल पे अब कोई जाने वाला है नहीं, सब अपना अपना जगह देख के लगा रहा है गाड़ी, अब हम भी लगा दिए, चलते है खाना खा के आगे सोते है यहीं पे। दोस्तों झारखंड में अभी भी ठंड है, देख सकते हो जिगर वगैरह डाल के है, और बीच में देखे तो रामगढ़ में बारिश भी हो गया था और रांची में भी ऐसा हो गया था कि बारिश तो नहीं हुआ लेकिन मौसम पूरा बादल किया हुआ था, जैसे लग रहा है कि आसपास कहीं पे बारिश हो रहा है, उसके चलते थोड़ा ठंड थोड़ा बढ़ा दिया, इधर तो आए हुए इधर तो जंगल एरिया है तो ठंडा तो लगना ही है। दोस्तों अभी हमारा खाना आ चुका है, तो ये देखिए हम ऑर्डर किए हैं मिक्स वेज और ये रोटी है साथ में, और पापा ऑर्डर किए है पालक, पालक ये पालक का ऑर्डर किए हम, पालक साग का है, तो दिन में तो अपना खाना ना हुआ नहीं था। दोस्तों जहाँ हमको साग वगैरह मिलता है तो हम जरूर ऑर्डर देते हैं, देखिए पालक साग यहाँ था, पालक साग हो गया, लाल भाजी हो गया, ये सब तो हम ज्यादा ही खाते हैं, ये सब जहाँ मिल जाता तो हम जरूर ऑर्डर देते हैं।
दोस्तों अभी हम लोग खाना खा के आ चुके हैं और करीब रात के 11 भी बजने वाला है, तो अब रात में हम लोग यहीं पे सो जाएंगे, यहाँ से सुबह सुबह आगे जाएंगे। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए ब्लॉग अब सोच रहे सुबह ही अपलोड करेंगे। अभी देखिए पूरा पर्दा वगैरह लगा लिए है और गाड़ी भी लॉक कर दी है पूरा, अभी तक हम लोग ये वाला हैंडल नहीं लगाए और यहाँ पे ये भी नहीं लगाए। पापा को हम बोले थे यहाँ पे लगवाने के लिए, रामगढ़ में हो सकता था। किधर किधर करे आदमी, घर तरफ देखे कि गाड़ी तरफ देखे? हम तो घर से निकल नहीं पा रहे थे, मोबाइल भी हम नहीं रखे थे अपने पास में, मोबाइल भी मैं साइलेंट करके रख दिया था घर पे, क्योंकि इसी लेकर हम गए एक ही तरफ का ध्यान भटकता है आदमी, घर पे देख रहे थे। हाँ आप निश्चित से खड़ा होंगे होली के टाइम में, तब हो सकता है ये काम हो जाए। और दोस्तों अभी एक और बात है कि अभी से लेके हम लोग का करीब 1.5 महीना तक चिकन मटन मछली कुछ नहीं खाना है। अभी क्या पूजा हुआ उसी को लेकर पंडित जी हम लोग को बताया है कि करीब 1.5 महीना तक आप लोग को कुछ नहीं खाना पड़ेगा ना। हाँ अभी हम लोग जो हम लोग जो पूजा किए हैं, जो पाठ हुआ यज्ञ हुआ घर पे, उसके लेके हम लोग सब मनाया। हम लोग जो पार्टी जो दिए थे, छोटा मोटा पार्टी दिए थे, उसमें भी हम लोग बिना मना लहसुन प्याज का वो पार्टी चला था। तो हम लोग लहसुन प्याज अब खा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग चिकन मटन जो है वो हम लोग का अभी बंद हो गया है। तो दोस्तों कल तो संडे था, लेकिन अब कल कुछ बन नहीं पाएगा, कोई बात नहीं, अभी उधर तो कुछ दिन हो ही गया है, ऐसे भी हम लोग 2-2 महीना सावन मान लेते हैं तो ये भी कुछ नहीं होगा, 1.5 महीना आराम से अपना निकल जाएगा। और कुछ शाकाहारी बना लेंगे, दाल भात चोखा, दाल भात चोखा बना लेंगे, पनीर का सब्जी बना लेंगे, पनीर बटर मसाला, पनीर चिल्ली, दाल भात, पनीर कोफ्ता, मटर पनीर, दाल भात चोखा बहुत दिन खाया हुआ हो गया मेरा, बहुत मन करा दाल भात चोखा खाने का, इसलिए कल संडे भी, कल मेरा खाली भी नहीं हुआ गाड़ी, मां तो ज्यादा दूर का नहीं है, ज्यादा 250 किलोमीटर जाना है, अगर कोशिश करें उनका शाम में पहुंच जाएंगे, संडे कोई फायदा नहीं है, तो कल आराम से रुकेंगे उधर और कहीं कुछ बनाएंगे हम लोग। तो ठीक है दोस्तों अभी सोते हैं, मिलते हैं सुबह आप लोग से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है, अभी करीब सुबह के 7 बज रहे हैं और सुबह सुबह हम लोग करीब वहाँ से 5 बजे के आसपास निकले और अभी तो बहुत आगे भी आ चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुके हुए हैं ब्रश करने के लिए, हम ब्रश कर लिए, पापा कर रहे हैं और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे गैस भी भरवा लिए और रख लिए अंदर, और गैस का भी प्रॉब्लम खत्म हो गया और थोड़ा सा चावल ले लिए, यहाँ बगल में एक दुकान था वहाँ से, तो अब बस ब्रश करके हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। दोस्तों आज आप लोग ब्लॉग में थोड़ा सा चेंजिंग देखे होंगे, थोड़ा सा एडिटिंग में चेंजिंग किए हैं और थोड़ा मीम जोड़े, ऐसे भी आप लोग का थोड़ा कमेंट आ रहा था कि मीम हम ट्राई करके देखिए, तो अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये मतलब कंटिन्यू करे कि छोड़ दे, कि अपना पुराना ही वाला तरीका ही अच्छा था, तो कमेंट हम पिन कर देंगे उसमें आप लोग रिप्लाई कर दीजिएगा। और अभी ब्रश वगैरह हम लोग कर लिए हैं, अब निकल रहे हैं यहाँ से। दोस्तों यहाँ से 300 किलोमीटर बचा हुआ है, 300 किलोमीटर के आसपास में है, तो आराम आराम से जाएंगे। और आज इस बार हम क्या कि एक नया रास्ता से जाने वाले हैं, पहले क्या था कि राउरकेला होके जाते थे तो बीच में बंद एक रास्ता था बीच से, तो पहले हम डालागढ़ जाकर चले थे उसमें, तो बीच में बंद भी हो गया था, तो मतलब कई बार खुलता है बंद होता है इस टाइप का होता है, तो कई गाड़ी वालों से हम बात हुआ तो बोला कि नहीं आप उसमें से आना जाना कीजिए, कि सब गाड़ी आना जाना कर रहा है, अब थोड़ा बहुत लगता है खर्चा पानी लगता है उधर, तो उसमें क्या है कि हम बहुत नजदीक ही पड़ेगा, मतलब राउरकेला जाने की जरूरत नहीं है, बीच से ही रास्ता सीधा निकल जाता है। तो अभी हम लोग झारसुगड़ा जाने वाले हैं, झारसुगड़ा का माल है, तो वो रास्ता को भी देख लेंगे, अगर वो रास्ता अच्छा लगेगा तो फिर उसी से आना जाना होगा, सफर थोड़ा कम पड़ जाएगा, हम लोग 40 किलोमीटर का सफर कम पड़ जाएगा और एक टोल टैक्स भी बच जाएगा हमारा। तो ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने मिलेगा वो रास्ता का भी, जो नया रास्ता जो है, और इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।